Morning students, we have done chapter 10 in the last class. Now we will start chapter 11, money. This is the symbol for rupees. हमारे को कहीं rupees लिखना होता है तो हम इसका ये वाला symbol बनाते हैं rupees का. How much money is it? यहाँ पे कितनी money है हमारे को count करना है. 100 के कितने notes हैं? 100, 200, 300. तो 300 आ जाएगा. 10 के कितने notes हैं? 10, 20. 20 आ जाएगा. 1-1 के कितने कॉइन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स कॉइन है तो 6 आ जाएगा. इसको रीड करेंगे रुपीज़ का साइन लगा के 326, तो 326 लिख देंगे. ओके, यहाँ देखेंगे 100 का कितना नोट है? 1 नोट, तो 100 आ जाएगा. यहाँ 10 के कितने नोट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 90 आ जाएगा. यहाँ कॉइन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख देंगे. क्या आ जाएगा? 197. ऐसे यहाँ पे देखेंगे 100 के कितने नोट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 600. क्वाइन कितने हैं 1 के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्लस 6. तो ये रीड करेंगे 606, तो रुपीज़ 606. यहाँ 10 का एक भी नोट नहीं है. ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 606, यहाँ 0 आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ मच मनी इज इट? इसमें भी हम आपको यहाँ बताना है कितने क्वाइंस हैं. 2 का 1 कॉइन है, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा? रुपीज़ 5 रुपीज़ आ जाएगा. यहाँ काउंट करेंगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रुपीज़. यहाँ 10 के 10, 20, 30 रुपीज़. यहाँ नोट्स हैं 10, 20, 30, 30 plus 2, 32 रुपीज़. ओके, नाउ टर्न योर पेज. एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टोटल अमाउंट. हमारा टोटल अमाउंट बताना है कितना है. 500 नोट है, तो 500 प्लस 10 के कितने नोट है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्लस 2 का कॉइन है, तो प्लस 2. रीड करेंगे इसको रुपीज़ 572. ओके, यहाँ रीड करेंगे 100, 200, 300, तो क्या लिख देंगे हम? 300 प्लस 20 के कितने नोट्स हैं? 20, 40, 60, 80, 100 प्लस 5 का कॉइन है, 1 कॉइन है 5 का, तो 5 का 1 कॉइन लिख देंगे. इसको रीड करेंगे 300, 400, 405 रुपीज़. यहाँ पे 50 के रुपीज़ का काउंट करके लिखेंगे. यहाँ 20 का है, काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो 10, 20 के, तो 100 × 2, 200 लगा देंगे. 2 का है, 20 के है ना, तो 200 प्लस 5 के कितने हैं? 5, 10, 15. एंड 2 के कितने हैं? 2, 2 जा 4, 2 जा 3, 6, 2 4 जा 8. तब इसको रीड करेंगे 215 + 8, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223. तो क्या आ जाएगा आंसर? 223. ओके, रुपीज़ का साइन लिखा हुआ है. जितने नोट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिख देंगे. सेकेंड है, राइट इन वर्ड. वर्ड में लिखना है अपन को. जैसे रुपीज़ 17.50, 50 के बाद पॉइंट के बाद पैसे हो जाते हैं. पॉइंट से पहले वाले रुपीज़ होते हैं, पॉइंट के बाद वाले पैसे होते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे. सेकेंड, 35 रुपीज़ एंड 20 पैसे. अब ये कितने हैं? 140 रुपीज़ एंड 20 पैसे. 275 रुपीज़ एंड 75 पैसे. हम पॉइंट से पहले वाले रुपी हो जाते हैं और पॉइंट के बाद वाले पैसे हो जाते हैं. ओके, थर्ड इज राइट इन शॉर्ट. इसमें हमारे को शॉर्ट में लिखना है 75 रुपीज़ एंड 15 पैसे. तो रुपीज़ 75.15, यहाँ शॉर्ट में जैसे लिखा था ऐसे लिखना है. यहाँ पे रुपीज़ का साइन पहले आ जाए, रुपीज़ 75 एंड की जगह पॉइंट और 15 पैसे. 125 रुपीज़ एंड 30 पैसे, तो रुपीज़ 125 एंड की जगह पॉइंट 30 पैसे. 242 रुपीज़ एंड 10 पैसे, तो रुपीज़ 242 एंड की जगह पॉइंट एंड 10 पैसा. पॉइंट का मतलब ही पैसे होते हैं. ओके,